केन्द्र सरकार विभिन्न नीति और दरदाम वृद्धि प्रतिवादे आज निमापड़ा दोलबेदी छकठारे अखिल भारत कृषक सभा और सीपीआई पक्षर् शांतिपूर्ण भाव धर्मघट आंदोलन कर देशर 10 ट्रेड यूनियन संगठन पक्ष दुईदिनिया धर्मघट डाकरा दी जाइए। केन्द्र सरकार कृषक मारण नीति जनविरोधी राष्ट्र विरोधी अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि को विरोध कर निमापड़े अखिल भारत कृषक सभा और सीपीआई पक्षर् धर्मघट आंदोलन डाकरा दी जाइए। आंदोलन में सीपीआई तथा कृषक नेता देवेंद्र साहू कृष्णचंद्र राउत सनातन पात्र प्रमुख सामिल होते देवेंद्र साहू कृषक नेता आमर डिमांड रही भारत बर्षर बीजेपी सरकार आशीर्वाद रू जो जनविरोधी नीति जहाँ कि साधारण लोक जीवन को अतिष्ट कर सारा डीजेल पेट्रोल गैस दर अहेतुक वृद्धि नित्य व्यवहार्य सामग्री दर मध्य आकाश छुआ 2020 विद्युत बिल जो आनी साधारण लोक से विद्युत बिल द्वारा प्रभूत क्षतिर सम्मुखीन होती ट्रेड यूनियन अधिकार को क्षुण्ण कर न्याय दाबी बीमा बैंक घरकरण करने द्वारा कर्मचारी मैंने अतिष्ठ हो गल अपरपक्ष भारत बर्षर कृषक मानी स्वामीनाथन कमिशन जो रिपोर्ट देते से रिपोर्ट को एपर्यंत सरकार कार्यकारी करना आज आंदोलन में आम दाबी होती स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट को कार्यकारी करवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाक आईन में परिणत करवा यही सब दाबी नहीं आज आम ये धर्मघट दुईदिनिया चालू रही। मो ना कृष्णचंद्र राउत अखिल भारत कृषक सभा पूरी जिला संपादक आज भारत बर्षर 9 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एवं समस्त कृषक बीमा बैंक कर्मचारी संगठन तरफ दुईदिनिया भारत साधारण धर्मघट डाकरा दी 28-29 तेणु से परिप्रेक्षी में दाबी रही सरकार पेट्रोल डीजेल इंधन गैस दर तुरंत ह्रास करने दरदाम स्थिर रखा कमेद सरकार जो नूतन ट्रेड यूनियन आईन आनी चारोटी आईन आनी प्रत्याहार करने पुराण आईन को कार्यकारी करने 2020 विद्युत आईन को प्रत्याहार करने धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य को आईन में परिणत करने स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट को कार्यकारी करने समान काम को समान मजूरी दाबी कर समस्त घरकरण व्यवस्था को बंद कर दाबी कर आज भारत बर्ष तमाम 12 दाबी नहीं भारत बर्ष तमाम आज साधारण धर्मघट अनुषित होई परिप्रेक्षी आम निमापड़े अखिल भारत कृषक सभा तरफ ट्रेड यूनियन मानक धर्मघट को समर्थन कर आम विक्षोभ प्रदर्शन कर।